नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्यारे मित्रों, उम्मीद करती हूं आप बहुत ही खुशी से होंगे और भगवान आपकी इस खुशी को बरकरार रखे, यही मेरी कामना रहती है। और इसी क्रम में तरह तरह से वीडियो बनाकर मैं आपको आगाह भी करती हूँ कि किन बातों से आप बचें, जिससे कि अनेक मुश्किलें जो आपकी ज़िंदगी में खड़ी होती हैं उनका सामना आप आसानी से कर लें, मतलब वो आप पर कुछ अपना प्रभाव ही ना छोड़ पाए, ऐसे उपाय मैं आपको बताती हूँ। इसी क्रम में मैं आज आपको ऐसी जानकारी दे रही हूँ जो हो सकता है आपको थोड़ा विचलित और उद्वेलित कर दे मित्रों, लेकिन ये यथार्थ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए इसको पॉजिटिव रूप में लीजिए और इसका मखौल उड़ाते हुए मखौल ना उड़ाएं, बल्कि इस बात को समझने का प्रयास करें। मैं आज आपको बता रही हूँ, आपकी जो शौच क्रिया होती है वो भी बताती है कि आप पर किस हद तक तांत्रिक क्रिया हुई है और आपको किस तरह से बांधा गया है, आपके घर को, बरकत को, उन्नति को किस तरह से बांधा गया है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव आप पर किस तरह से पड़ता है मित्रों, मैं आपको आज यही बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले एक निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष वास्तु संबंधी जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है, जीवन दर्शन संबंधी जानकारी आपको दी जाती है और ज़िंदगी से जुड़ी हुई छोटी बड़ी समस्याएँ किस तरह से आप चुटकियों में सॉल्व करें ये मैं आपको बताती हूँ मित्रों। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं, कुंडली का परामर्श चार्जेबल है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है। ये राशि बहुत बड़ी नहीं है मित्रों, आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की जो अनमोल जिसको बोलते हैं खुशियां हैं उनसे बड़ी नहीं है। तो अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो कुंडली का जो चार्ज है वो आपको बिल्कुल भारी नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि ये ज़िंदगी का कितना ज़रूरी काम है जो कि आपने अब तक नहीं किया। तो अपनी कुंडली का परामर्श ज़रूर लीजिए, ज़िंदगी इतनी बड़ी पड़ी है और उस ज़िंदगी में न जाने कितने अनगिनत संकटों से आप बच सकते हैं इस छोटी सी सलाह से। एक छोटी सी सलाह आपकी ज़िंदगी में इतना भारी बदलाव ला सकती है, छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं मित्रों। तो बिना देरी किए अपनी कुंडली का परामर्श ज़रूर लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। जो शौच क्रिया होती है इस पर लोगों की जो बुरी नज़र होती है, लोगों के द्वारा की गई जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, सबसे ज़्यादा आपके जो पाचन तंत्र है, आपका जो पेट का एरिया है, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अक्सर जब व्यक्ति तनाव में होता है तो आपने देखा होगा कि उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, या तो व्यक्ति की भूख बंद हो जाती है या व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना चालू कर देता है। बेसिकली जब हम लोग हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी आउटर ऑरा से जुड़ी हुई हैं, कोई भी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो हम पर प्रभाव डालती हैं डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर नहीं होती हैं, लेकिन जिनका ऑरा मतलब हमारी जो समझ लीजिए हमारी जो आउटर बॉडी है, हमारा वो जो ऑरा है वो जब कमज़ोर पड़ जाता है तो बहुत जल्दी प्रभाव में हम आ जाते हैं और ज़िंदगी का बुरा वक्त चालू हो जाता है। सबसे बड़ा जो पहला प्रभाव होता है वो होता है आपकी आंतों पर, आंतों में मल का फंसना। इसके अलावा आपकी जब शौच क्रिया के दौरान बहुत बुरी स्मेल आना, ये मल का सूख जाना, बॉडी का जैसे पेट का बिल्कुल पानी सूख जाना, इस तरह से महसूस होना, बहुत पानी पीने के बाद भी पेट में ऐसा महसूस होना कि जैसे पेट को किसी ने जकड़ रखा है, पेट सूख गया है और पेट में कोई खुश्की टाइप का अनुभव होना, मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा खुश्की का अनुभव होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इस बात का इंडिकेशन देते हैं। इसको अगर आप डॉक्टरी परामर्श लेवें तो आपको एक अलग चीज़ निकल कर आएगी, इसको उससे कनेक्ट प्लीज़ मत कीजिए आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हीलिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं उसके थ्रू भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका मखौल उड़ाने की बजाय जो लोग इसकी हंसी उड़ाते हैं, कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, तो मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं वो इसकी गंभीरता को समझें कि आप पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी मैं आपको। तो आपके जो पेट हैं, आपकी आंतें हैं, आपकी जो शौच क्रिया है उसमें आने वाली जो एक अजीब सी स्मेल है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आप पे ज़बरदस्त तंत्र प्रयोग किसी ने किया है, बुरी नज़र की लगाई है किसी ने, कोई आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, जलन कर रहा है आपसे और आपकी खुशी को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। तो इसलिए आपको सावधान होने की आवश्यकता है और इसका निवारण भी आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावा लोग दिमाग को जकड़ते हैं, ऐसा व्यक्ति अचानक घर में चिल्लाना चालू करता है, उसको घर के ही लोग बुरे लगने लगते हैं, उसको घर के लोगों की बातें बुरी लगने लगती है, उसको लगता है कि बाहर के लोग सही कह रहे हैं और घर के लोग तो बेवकूफ़ हैं एक नंबर के। घर के किसी व्यक्ति को ऐसे लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनको अपनी पत्नी की कही हुई हर बात बुरी लगती है और बाहर की औरत की हर बात अच्छी लगती है। ऐसे लोगों को अपने ही बच्चे बुरे लगते हैं, बाहर के लोगों के बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बाहर के लोगों से प्यार मत करो, लेकिन जो आप पर आश्रित हैं, आपके घर के लोग जो आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं, उनके प्रति आपका दायित्व ज़बरदस्त होता है। ये बात स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। स्त्रियों की आदत बन जाती है कि वो अपने घर की निंदा
पर स्त्रियों से करती हैं, बाहर की महिलाओं से करती हैं, उनको अपने पति की कोई बात अच्छी नहीं लगती, पति जो कहता है उसके विपरीत वो आचरण करती हैं, उनका घर के खाना बनाने में मन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मूल रूप से है कि जब शौच क्रिया आपकी बिगड़ी हुई है, पाचन तंत्र आपका बिगड़ा हुआ है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसे उत्तम रहेगा? आपको मानसिक शांति तब तक नहीं मिल सकती जबकि आपका पेट आपका जो जिसको बोलते हैं बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपका मल त्याग बिल्कुल साफ तरीके से नहीं हुआ है, तो आपके मन में चिड़चिड़ापन, उलझन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सबसे पहले आपकी जो शौच क्रिया है, मल त्याग की प्रक्रिया है, और आपका जो पेट है, पाचन तंत्र है, इन पर बुरी तरह से प्रभाव डालती हैं। अब इसका निवारण किस तरह से करें? इसका निवारण करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसके लिए आप शनिवार के व्रत कीजिए, शनि की जो कारक चीज़ें हैं उनका दान कीजिए, इसके अलावा राहु की कारक चीज़ों का दान कीजिए। राहु की कारक चीज़ें कौन सी हैं मैं पूर्व वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर वापस से स्पष्ट कर देती हूँ, हो सकता है आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो, तो आप इस जानकारी को जानकर आप लिख लीजिए। राहु की जो कारक चीज़ें होती हैं, बांस की टोकरी होती है, काले उड़द होते हैं, इसके अलावा आप नीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं, गोमेद रत्न ले सकते हैं, इसके अलावा ऐसा कोई भी स्टैचू जिसमें कि सिर्फ मुखौटा बना हुआ हो वो राहु का यंत्र ले सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आप रखकर एक दान सामग्री के रूप में मंदिर में चढ़ा दें, किसी भी मंदिर में, बुधवार या शनिवार को। शनि की कारक चीज़ों के रूप में लोहा हो गया पुराना, काले जूते हो गए चमड़े के, काला छाता हो गया, काले तिल हो गए, सूरमा हो गया, इसके अलावा जो लोहे की कढ़ाई है उसमें तिल्ली का तेल भर के, या छाया पात्र वगैरह भी दान देते हैं कटोरे में लेके, और तेल भर के अपनी शक्ल देखकर वो भी दान दे दीजिए। तो इस तरह से आप शनिकृत और राहुकृत दोषों से बचते हैं। और राहु और जो शनि होते हैं ये सब बेसिकली नज़र के कारक होते हैं, कुछ कुंडलियों में मंगल भी कुछ खास कंडीशन में होता है, तो ऐसे लोगों की भी नज़र लग जाती है या ऐसे लोगों को भी नज़र लग जाती है, तो इन सब चीज़ों का भी निवारण करें। चंद्रमा भी पीड़ित है तो भी नज़र लगती है, लग्न पीड़ित है तो भी नज़र लगती है, ये सारे फैक्टर्स हैं, पर बेसिकली हम इसका निवारण आपको बता रहे हैं, आप उसी को फॉलो करिए, लग्न कोई भी हो, ये उपाय करने हैं आपको। इसके अलावा आपको स्नान करते समय, जिस समय आपकी पूरी बॉडी गीली हो, उस समय आपको 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, या किसी भी पवित्र मंत्र का जाप कर लेना है, जिनमें भी आप, जिस भी धर्म के हैं, जिसमें